हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आप सब ने 30 डेज ऑफ नाइट का हिंदी एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद किया, और जैसा कि मैंने कहा था कि वैम्पायर स्टोरीज सबको पसंद आती है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर आप सब ने इस एक्सप्लेनेशन को बहुत पसंद किया तो इसका दूसरा पार्ट भी मैं ज़रूर से एक्सप्लेन करूँगा। और आप सब ने उस वीडियो को अपना ओवरवेलमिंग प्यार देकर मुझे मजबूर कर दिया इसका सेकेंड पार्ट लाने पर। अगर आप सब ने 30 डेज ऑफ नाइट का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। पहले आप उसको देख लीजिए ताकि ये मूवी आपको अच्छे से समझ आ सके। और मूवीज देखने की एक साइट मुझे मिली है, वहाँ आपको शायद काफी सारी मूवीज मिल जाएंगी, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पिछली मूवी में हमने देखा था कि अलास्का के बैरो शहर के लोगों को वैम्पायर्स के ग्रुप ने तबाह कर दिया था, जो कि हुआ था साल के अंत के महीने में, जब सूरज की किरणें धरती को नहीं छूती थी। और उस मूवी में बहुत से सवाल रह गए थे कि आखिर इनको भेजा किसने और वो शिप वहां पर कहां से आई थी। तो इन सब का खुलासा इस मूवी में हो जाएगा। अब इस दुखद हादसे के बाद स्टेला का पति एबन भी इस चीज का शिकार हो गया था, जिसकी वजह से स्टेला के मन में बहुत दुख, नफरत और पछतावा था। स्टेला को रोज रात भयानक सपने और डर का एहसास पिछले 10 महीनों में रोज होने लगा था, यानी कि बैरो शहर के हादसे को हुए करीब 10 महीने बीत चुके थे। अब स्टेला पूरी दुनिया ट्रेवल करके अलग अलग जगह के लोगों को वैम्पायर्स के बारे में बताया करती थी कि वैम्पायर्स होते हैं और ये एक महज अफवाह नहीं है। हालांकि स्टेला को यह एहसास होता रहता है कि वैम्पायर्स उसका लगातार पीछा कर रहे हैं, और स्टेला यह बात भी अच्छे तरीके से जानती थी कि उसकी जान को बहुत खतरा है। लेकिन अपने एक्स हस्बैंड की मौत के बाद उसके अंदर के इमोशंस जैसे मर से गए थे, अंदर से वो बिल्कुल ठंडी और खाली हो गई थी। अब यहाँ पर अनजान व्यक्ति का जिक्र होता है जिसका नाम था डेन। अब स्टेला को इसके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस मिलते थे और जिसके कारण स्टेला लॉस एंजलिस पहुंच जाती है। अब एक रात सेमिनार के दौरान स्टेला सबको ये बताती है कि वैम्पायर्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं, पर सब उसका मजाक उड़ा देते हैं। लेकिन इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आई थी, क्योंकि वो जानती थी कि वैम्पायर्स उसका शिकार कर रहे हैं, तो यहाँ सेमिनार में भी वो लोग जरूर होंगे। उसने पहले ही पूरे सेमिनार हॉल में यूवी लाइट्स लगवा दी थी, और लाइट्स को एक्टिवेट करते ही उस भीड़ में बैठे सारे वैम्पायर्स वहीं जल जाते हैं। इसके बाद स्टेला को अरेस्ट कर लिया जाता है और ये केस सीधा FBI के एजेंट नॉरिस को सौंप दिया जाता है। इन दोनों की बातचीत से यह पता लगता है कि एजेंट इन वैम्पायर्स के बारे में काफी कुछ जानता था, और वो वैम्पायर्स के ऑर्डर्स को भी फॉलो करता है। इसके बाद स्टेला को धमकी देकर कस्टडी से रिहा कर दिया जाता है कि बिल्कुल शांत रहना है और इस बारे में किसी को भी नहीं बताना। स्टेला अपने होटल रूम में लौट कर आती है। वहां उसके साइड वाले रूम में एक लड़का और लड़की रह रहे थे। अब रूम में एंटर करते ही स्टेला शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसको वहां पर 3 लोग दिखाई देते हैं जिनके हाथ में हथियार थे। इनके नाम है टॉड, एम्बर और पॉल, जिनको डेन ने भेजा था। ये वही व्यक्ति है जिसकी इंस्ट्रक्शन की मदद से स्टेला यहाँ लॉस एंजलिस में आ गई थी। यहाँ बात चलती है वैम्पायर्स की रानी लिलिथ को मारने के बारे में। जी हाँ, इन वैम्पायर्स को कंट्रोल करने वाली कोई और नहीं बल्कि यही क्वीन लिलिथ थी। वैम्पायर्स को इंसानों के बीच छुपा के रखने में और सारी हरकतों की जिम्मेदार यही लिलिथ थी। अगर इसको मार दिया गया तो पूरा नेटवर्क टूट जाएगा, ऐसा ये तीनों स्टेला को बताते हैं। इनफैक्ट बैरो शहर में जो हुआ था वो भी इसी का कराधारा था। अब स्टेला को डेन के पास ले जाया जाता है, लेकिन स्टेला यह देखकर शॉक्ड हो जाती है कि डेन एक वैम्पायर है पर दूसरों से काफी अलग है। वो किसी इंसान पर हमला नहीं करता, किसी कारण से वो अपने अंदर की इंसानियत को बरकरार रखने में कामयाब हो पाया था। जिंदा रहने के लिए वो पैक्ड ब्लड का इस्तेमाल किया करता था। शुरुआत में स्टेला वैम्पायर हंटिंग को लेकर नहीं मानती, पर पॉल उसको किसी तरह से मना लेता है और यह भी बताता है कि उसकी बेटी को उठा के वैम्पायर्स ले गए थे, पर उस बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, यहाँ तक कि उसकी खुद की बीवी ने भी नहीं, और इसी कारण से उनका डिवोर्स भी हो गया था। अब उसी रात पॉल, टॉड, एम्बर और स्टेला एक वैम्पायर्स के इलाके में जाते हैं। उनका शिकार करने पर अचानक से बहुत सारे वैम्पायर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं, और इसी बीच टॉड घायल हो जाता है, यानी कि उसको वैम्पायर्स काट लेते हैं। ये सब अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं,
पॉल बहुत कोशिश करता है कि टॉड को मार दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाता और स्टेला को ये करना पड़ता है। अब यह डिसाइड किया जाता है कि रात होने तक हम सब यहीं रुकेंगे ताकि वैम्पायर शिकार पर निकल जाएं। रात होने के बाद डेन यहाँ पर आता है और इस बीच उनको एक वैम्पायर मिलता है जिसको ये घायल करके अपनी जगह पर ले जाते हैं और लिलिथ की लोकेशन की पूछताछ शुरू होती है। अब डेन वैम्पायर भाषा में उससे पूछता है कि लिलिथ कहाँ पर है, पर वो कुछ नहीं बताता और तभी उसके सामने रखी यूवी लाइट स्टेला उस पर चला देती है। लेकिन अपनी रानी के लिए वो मरने को भी तैयार था और तभी इनको एक आइडिया आता है और छोड़ दिया जाता है इस वैम्पायर को ताकि इसका पीछा करते करते ये लिलिथ की लोकेशन तक पहुंच जाएं। अब रात के अंधेरे में ये उस वैम्पायर का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर ये सुबह होने तक का वेट करते हैं। उसके बाद अंदर जाके बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद वहां पर एक सर्वाइवर यानी कि जेनिफर को वहां से बचा के लेके आते हैं ताकि उसकी यादों का सहारा लेके लिलिथ और उसके अगले शिकार होने वाले शहर के बारे में ये पता लगा सके। अब यह पता लगता है कि लिलिथ एक शिप पर है और उसी हिसाब से ये सब प्लानिंग करते हैं। अब इस बीच लिलिथ के यहाँ पर एजेंट नॉरिस उन दोनों लड़का और लड़की को लेकर आता है जो शुरुआत में स्टेला जहाँ पर रह रही थी उसी होटल के पास दिखाए गए थे और एजेंट नॉरिस को कुछ बीमारी थी। इसी बीच वो कहता है कि मुझे भी वैम्पायर्स में तब्दील कर दो और मेरे पास वक्त बहुत कम है, पर लिलिथ कहती है कि अगर ऐसा चाहते हो तो अपनी लॉयलिटी मुझे शो करनी पड़ेगी और तभी नॉरिस उस लड़की को मार देता है और लिलिथ अपनी खून की बूंदें एजेंट नॉरिस को दे देती है। अब एजेंट नॉरिस भी एक वैम्पायर बन जाता है ताकि स्टेला और बाकी सबका शिकार कर सके। अब नॉरिस डेन की जगह पर आता है और नॉरिस डेन को मार देता है। पॉल, जेनिफर, स्टेला और एम्बर बचकर निकल जाते हैं। अब उनको उस बोट के बारे में पता लगता है जहां पर लिलिथ थी। पॉल, एम्बर और स्टेला उस शिप पर जाने का फैसला करते हैं। जेनिफर को कार लेके वापस जाने को बोल दिया जाता है। अब बोट पर जाकर एक बात पता चलती है कि वैम्पायर्स अगर जल भी जाए तो उनको इंसानी खून डाल के जिंदा किया जा सकता है, बस उसका सर धड़ से अलग नहीं होना चाहिए। तभी उनको शिप का एक कैप्टन दिखाई देता है और हमको एक चीज और पता लगती है कि यह शिप फिर से अलास्का की तरफ जा रही है वेन राइट शहर में ताकि फिर से वही चीज जो बैरो शहर में हुई थी वो दोहराई जा सके। कैप्टन से शिप मोड़ने को कहा जाता है पर वो बताता है कि उसकी बच्ची और बीवी लिलिथ के पास है और वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी स्टेला ये कहती है कि तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में शायद नहीं रही होगी, पर तभी अचानक से पीछे से उन पर वैम्पायर्स हमला कर देते हैं। इस बीच एम्बर भी इस दुनिया में नहीं रहती। लिलिथ स्टेला और पॉल को देखती है। इनके लिए कहा जाता है कि इनका खून निकाल लो। अब एजेंट नॉरिस को ये काम मिलता है। वो ऐसा करने ही वाला था पर तभी एकदम से स्टेला खुद को छुड़ा के नॉरिस को ऊपर वाले के पास पहुंचा देती है। इस बीच लिलिथ, पॉल और स्टेला की लड़ाई होती है। पॉल को मार देती है लिलिथ, लेकिन स्टेला चालाकी से छुप कर लिलिथ को मार देती है और बाकी सारे वैम्पायर्स उसको जाने देते हैं क्योंकि स्टेला ने उनकी रानी को ही मार दिया था। शिप पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का फोन आता है। स्टेला उनको सब कुछ बता देती है पर हमें दिखाया जाता है कि स्टेला अपनी दबी सी आवाज में यह बोल रही है कि यहाँ पर जो सब हुआ था वो कभी भी बाहर इंसानों के सामने नहीं लाया गया। अब स्टेला बैरो शहर वापस चली जाती है और एबन की कब्र खोदकर उसका शरीर निकालती है इस उम्मीद में कि अपना खून डाल के वो एबन को जिंदा कर देगी। काफी कोशिश करने के बाद कुछ भी असर नहीं करता और स्टेला ब्लड लॉस की वजह से बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही उसको होश आता है एबन जिंदा हो जाता है। स्टेला खुशी से उसके गले लग जाती है पर एबन पूरी तरह से वैम्पायर में तब्दील हो गया था और हम व्यूअर्स को एबन स्टेला के नेक पर काटते हुए दिखाए जाने वाला ही था और तभी बूम, मूवी खत्म। तो दोस्तों यही थी 30 डेज ऑफ नाइट डार्क डेज की हिंदी एक्सप्लेनेशन जो कि काफी शॉर्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों एक्सप्लेनेशंस पसंद आई होंगी। मूवी थोड़ी वीक थी पर फर्स्ट मूवी को इसने लिंक किया है वो काफी अच्छा लगा। इस मूवी को मैं 5.5 स्टार्स देना चाहूंगा आउट ऑफ 10 और एक बार तो ये मूवी देखी जा सकती है। थोड़ा बात करते हैं कि बैरो शहर पर भी हमला करवाने के लिए लिलिथ ने ही वैम्पायर से भरी हुई शिप भेजी थी, यानी कि पिछले पार्ट में भी लिलिथ उस शिप पर मौजूद थी और पहले पार्ट में वो अनजान व्यक्ति भी इसी फिराक में था कि वो वैम्पायर बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यानी कि मॉर्लो भी लिलिथ का एक महज प्यादा ही था। लिलिथ के तबाह होते ही सारे वैम्पायर्स बिल्कुल डेड हो गए थे क्योंकि उनको अब गाइड करने वाला कोई भी नहीं रहा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। घोस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह के ऑसम एक्सप्लेनेशंस के लिए।
इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ घोस्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए।